तो भाई कुछ वक्त पहले मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जहां मैंने आपको बताया था कि अश्विन के हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। उसके कुछ दिन बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड करी जहां मैंने आपको ये बताया कि हर्षा भोगले के हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। तो हाल ही में भाई गौतम गंभीर से, जी हाँ, इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि उनके हिसाब से आईपीएल की ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। लेकिन जब गंभीर से सवाल पूछा गया तो इस सवाल में एक ट्विस्ट पैदा किया गया, और वो ट्विस्ट ये था कि गौतम गंभीर उन्हीं प्लेयरों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ गौतम गंभीर आईपीएल में खेल चुके हैं। अब जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि गौतम गंभीर आईपीएल हिस्ट्री में जो अब तक आईपीएल के 17 सीजन खेले गए हैं, उन सभी 17 सीजन को देख लें तो गौतम गंभीर सिर्फ दो ही टीमों के लिए खेले हैं, एक है केकेआर और दूसरी है दिल्ली। तो यहां पे गौतम गंभीर को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 में उन्हीं प्लेयरों को चुनना था जिनके साथ या तो वो केकेआर में या फिर दिल्ली में खेल चुके हैं। तो गौतम गंभीर ने यहां पे जब अपनी ऑल टाइम आईपीएल 11 बनाई तो ओपनिंग में रखा खुद को और अपने साथ रॉबिन उथप्पा को, फर्स्ट राउंड पे उन्होंने रखा सूर्य कुमार यादव को, फोर्थ नंबर पे थे जैक्स कालिस, फिफ्थ नंबर पे थे यूसुफ पठान, सिक्स्थ नंबर पे रखा आंद्रे रसल को, सेवन पे रखा शाकिब अल हसन को, 8 पे रखा सुनील नारायण को, 9 पे रखा पीयूष चावला को, 10 पे रखा डेनियल विटोरी को। मैं बता दूं डेनियल विटोरी और गौतम गंभीर एक वक्त पे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके हैं। बाकी चले 11 प्लेयर की तरफ तो यहां पे गौतम गंभीर ने रखा इंडिया के करंट बॉलिंग कोच मॉन्ने मॉर्कल को। भाई इस टीम को ध्यान से देखो तो टीम गजब की बना रखी है, कसम से बवाल टीम लग रही है, क्योंकि ओपनिंग में गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा हैं, जिस जोड़ी ने केकेआर के लिए एक वक्त पे शानदार साझेदारियां करी हुई हैं, गजब की ओपनिंग पार्टनरशिप दी हुई हैं। उसके बाद फर्स्ट डाउन पे कोई और नहीं, करंट में जो T20 के बेस्ट बैट्समैन हैं, जी हां, सूर्य कुमार यादव। फोर्थ नंबर पे उन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर को जगह दी है जो कि हैं जैक्स कालिस, जिनके पास बैटिंग में हर तरीके के गियर हैं, जो एक वक्त पे केकेआर के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन दे चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में जैक कालिस बैटिंग में परफॉर्म करते ही करते थे, और हम कैसे भूल सकते हैं कि बॉलिंग में भी वो लगभग 140 की स्पीड टच करते थे, और चाहे फिर शुरुआती ओवर की बात हो, चाहे मिडल ओवर्स की बात हो, चाहे डेथ ओवर्स की बात हो, वो हर जगह पे अपनी बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते थे। फिफ्थ पोजीशन पे गौतम गंभीर ने यूसुफ पठान को जगह दी है, जो कि 100% वो डिजर्व करते थे, जिस तरीके से उन्होंने केकेआर के लिए हर साल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अगर यूसुफ पठान का नाम यहां पे नहीं होता तो कसम से मुझको बहुत बड़ा शॉक लगता। यूसुफ पठान फिफ्थ पोजीशन पे आके पारी संभालना भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो हम सबको पता है किस तरीके से लंबे लंबे छक्के लगाना भी जानते हैं। यूसुफ पठान के आगे उन्होंने आंद्रे रसल को जगह दी है, भाई बेस्ट पोजीशन है सिक्स्थ पोजीशन आंद्रे रसल के लिए, इससे बेहतर पोजीशन आंद्रे रसल के लिए हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद भी शाकिब अल हसन आते हैं, आप देख रहे हो बॉलर्स भी आते जा रहे हैं और बैटिंग भी स्ट्रांग होती जा रही है। अभी तक के जितने मैंने प्लेयर्स आपको बताए उसमें जैक कालिस है जो कमाल की बॉलिंग कराते हैं, यूसुफ पठान भी एक अच्छे खासे पार्ट टाइम बॉलर हैं, उसके बाद आंद्रे रसल लगभग फुल टाइम बॉलर हैं, और उसके बाद भी शाकिब अल हसन जो वंस अगेन फुल टाइम बॉलर हैं, और शाकिब अल हसन के बाद भी सुनील नारायण है टीम में जो वंस अगेन कमाल के बैट्समैन भी हैं, और बॉलर तो वन ऑफ द बेस्ट है जब बात आती है T20 क्रिकेट की। उसके बाद अगर बॉलर्स की तरफ नजर डालें तो पीयूष चावला है, जिन्होंने केकेआर के लगातार बहुत ही कमाल के योगदान दिए हैं, बैटिंग भी डिसेंट कर लेते हैं, और बॉलिंग तो देखो उन्होंने अच्छी खासी करी है, खासकर जब तक वो केकेआर के लिए खेलते थे। पीयूष चावला के बाद डेनियल विटोरी यहां पे मौजूद है, जो भाई बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलर है, एंड वंस अगेन बैटिंग में जरूरत पड़े तो बैटिंग में भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, एक वक्त पे न्यूजीलैंड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, तो इसीलिए डेनियल विटोरी का नाम यहां पे मुझको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता है। एंड में मॉर्ने मॉर्कल का नाम यहां पे दिखाई पड़ता है। अब देखो पता नहीं आज के बच्चे कितना मॉर्ने मॉर्कल की हरकतों से अवगत है, लेकिन मैं बता दूं कि एक वक्त पे जब मॉर्ने मॉर्कल और डेल स्टेन साथ में साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे तो लोग असल में उस वक्त पे डिसाइड नहीं कर पाते थे कि बैट्समैनों को ज्यादा खतरा डेल स्टेन से है या फिर मॉर्ने मॉर्कल से। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपके हिसाब से गौतम गंभीर की इस ऑल टाइम आईपीएल 11 में कोई और प्लेयर जगह डिजर्व करता था जिसको जगह नहीं मिली है? लेकिन यहां पे रूल आपको याद रखना है कि वही प्लेयर आप चुन सकते हैं जो कि कभी ना कभी आईपीएल में गौतम गंभीर के साथ खेल रखा हो। तो कोई
नाम आपके मन में आ रहा है, जो नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा भी कि किस नाम की जगह आप अपने नाम को रख रहे हैं, तो किस नाम को हटाना चाहते हैं, वो नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।